अब ये सामान ले तो लिया किंतु इसे लेकर जाएंगे कैसे? समस्या तो अब भी वहीं की वहीं है कि पहिया टूटा हुआ है। गोविंदराज कितनी चिंता करते हैं आप, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं ठीक कर दूंगा, अरे इतना ही आसान होता तो वो सारे व्यापारी यहाँ थोड़ी ना बैठे होते। गोविंदराज चल। ये इतनी शीघ्र ठीक कैसे कर दिया तुमने? वो इतने सारे व्यक्ति मिलकर इसे ठीक नहीं कर पा रहे थे और तुमने? देवा की कृपा, आज तो तुम चमत्कार पे चमत्कार किए जा रहे हो श्री। मैं मेरा तो मस्तिष्क चकरा रहा है। मुहूर्त समाप्त होने में अधिक समय शेष नहीं है। यदि समय पर भोग और प्रसाद के लिए दूध दही नहीं आया तो ये उत्सव आरंभ नहीं हो पाएगा। यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ जाकर पता लगाओ कि अभी तक दूध और माखन लेकर क्यों नहीं आए व्यापारी। जाओ। जी कुमार। अच्छा ही हुआ कि भार्गवी यहाँ नहीं है, क्योंकि यदि वो उत्सव के ऐसे प्रबंध देखती तो तुम्हारा कितना अपमान होता वासु। भार्गवी ताई, भार्गवी ताई क्या हुआ? उमा तुम इतनी दुखी क्यों हो? सब ठीक तो है? भार्गवी ताई मैं अत्यंत उत्साहित थी इस उत्सव के लिए, किंतु अब तो लगता है कि ये उत्सव आरंभ ही नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? सबने इतना परिश्रम किया है इस उत्सव के लिए, आरंभ क्यों नहीं होगा? जो व्यापारी भोग और प्रसाद के लिए दूध और माखन लाने वाले थे वो अभी तक पहुँचे ही नहीं है, और पुजारी जी आई से कह रहे थे कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। यदि मैंने भोग नारायण को ना चढ़ाया होता तो मैं थोड़ा माखन उमा को दे देती चढ़ावी के लिए। उमा दुखी मत हो, अभी तक मुहूर्त समाप्त तो नहीं हुआ है ना, व्यापारी भी शीघ्र ही आ जाएंगे। आपकी प्रार्थना ईश्वर सदैव सुनते हैं, यदि आप भी वहाँ चलेंगी तो ये उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। चलिए ना भार्गवी ताई, आई और राजकुमार को भी सहानुभूति मिलेगी। वैसे भी वो दोनों अत्यंत चिंतित हैं कि उनकी तैयारियों के पश्चात भी ये उत्सव आरंभ हो पाएगा या नहीं। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ पुत्री, किंतु तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तुमसे कुछ भी व्यवस्था पूर्वक करवाना नहीं चाहता हूँ भार्गवी। तुम जितना समय लेना चाहती हो ले सकती हो। आई और वासु दोनों ने बुरे समय में मेरा साथ दिया है, मुझे भी तो उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। वासु मेरी मानो तो इससे पहले कि सभी लोग तुम्हारी आलोचना करें ना, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि इस उत्सव की तिथि तो समाप्त होने को है। उन व्यापारियों का तो कहीं पता नहीं चला कुमार। यदि उनको पता नहीं चला है तो कहीं और से दूध और माखन का प्रबंध करो, अभी इसी क्षण। जी कुमार। वासु लो, भार्गवी भी आ गई अब तो।
दिख जाएगा कि तुम एक उत्सव का प्रबंध भी नहीं कर पाए ठीक से। विलम्ब के लिए हम क्षमा चाहते हैं, अंततः हम यहाँ पहुंच गए। और अब जब हम आ ही गए हैं तो यहाँ आज जन्माष्टमी का त्योहार अत्यंत धूमधाम से होगा, काएगा? तुम कौन हो? मी? माज़ा नाम व्यंकटेश और ये है मेरी अर्धांगिनी भार्या। नमस्कार कर। नमस्कार। मैंने सुना यहाँ कोई राजकुमार वासु नाम का व्यक्ति है, कहाँ है? उन्होंने एक अत्यंत श्रेष्ठ उत्सव आयोजित किया है जन्माष्टमी का। मैं ही हूँ राजकुमार वासु। अरे इट्स वाह 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 देवाजी कृपा। मैंने सुना कि आपको दूध दही माखन की आवश्यकता है इस उत्सव के लिए। वैसे तो बड़ा ही श्रेष्ठ आयोजन किया है आपने, खूबच छान बरा वाटला। पर आप जिसका प्रबंध नहीं कर पाए ना ते मी आण ले दूध दही माखन लेके आए हूँ अपने साथ। अच्छा हुआ वेंकटेश जो तुम ये दूध और माखन यहाँ ले आए। अब शीघ्र ये सब हमें दे दो जिससे हम ये उत्सव आरंभ कर सके और प्रतिदान स्वरूप ये मुद्राएं तुम्हारे लिए। आओ नोको नोको छे 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 प्रतिदान स्वरूप ये नहीं चाहिए मुझे। हाँ हाँ तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, बस ये दूध और माखन इधर दे दो। यदि त्योहार की तिथि निकल गई तो ये उत्सव असफल हो जाएगा। ओह नहीं बरोबर बोलता है तुम्हें, पर क्या है मैं भी चाहता हूँ कि आपका उत्सव जो है बहुत अच्छे से हो, सभी प्रसन्न रहे और वही मैं भी चाहता हूँ। देखिए क्या है ना कि उत्सव का ये वातावरण है सगळ्यांनी प्रसन्न असावा, सब प्रसन्न होंगे तो अच्छा लगेगा, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे सभी प्रसन्न हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई प्रसन्न नहीं है? अब स्वयं देख लीजिए। इतने ये इस कन्या को देखिए, इस कन्या को देखकर तो लगता है कि ये तो कदापि प्रसन्न नहीं है। और ये देख के ही तो अच्छा नहीं लग रहा ना मुझे। ये क्या है, त्योहार है, सभी को प्रसन्न रहना चाहिए। ये कन्या है ना, ये कन्या यदि प्रसन्न रहेगी ना, मुस्कुराएगी ना, सारा दूध दही माखन सब आपका, बस इसे मुस्कुराना पड़ेगा। जानती हूँ कि आप इस उत्सव में भाग लेना नहीं चाहती, किंतु अगर आप प्रसन्नता पूर्वक सम्मिलित नहीं हुई तो ये व्यापारी दूध और माखन नहीं देगा और ये उत्सव असफल हो जाएगा। प्रिय कन्या कितनी सुंदर उत्सव आए, हाँ हो कि नहीं, हर्ष और उल्लास का उत्सव है तो हर्ष और उल्लास के साथ ही मनाना चाहिए, काएगा? आप हर्ष और उल्लास के साथ इस उत्सव को मनाएंगी ना? बोला बोला भार्गवी मान जाओ ना। भार्गवी
इतने दिवस पश्चात आज मैंने तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता देखी है। एक दिवस मैं ऐसे ही तुम्हें अपने प्रेम में भी रंग दूंगा, देख लेना तुम। श्रीनिवास केवल तुम्हारा है, चाहे वो किसी भी भेष में क्यों ना आए।